जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए थैंक्स बोले एग्जामिनर को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप है जिसको कार्बोक्सिल, उस जिसको आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हो। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये है प्रोपेनॉल, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। अब ये क्या है, ये अल्कोहल है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पहले का क्या होना चाहिए, बी। तो पहले का बी किस किस के अंदर नहीं है उसको काट दो, ये वाले के अंदर है, ये वाले के अंदर, अब कोई से भी आंसर हो सकता। सेकंड है CH3CO C2H5, ये बीच में अगर CO फंस जाता है तो इसको बोलते हैं कीटो ग्रुप। तो ये कीटोन है, क्या है ये कीटोन है, तो इसका मतलब सेकंड का क्या होना चाहिए, डी। तो सेकंड का डी तो सिर्फ इसके अंदर देखा, सी वाले के अंदर, ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सी आंसर करेक्ट, आपने 10 सेकंड के अंदर अंदर इसको लगा दोगे। आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, थर्ड का देखो, थर्ड का ए होगा, थर्ड ये है आपके पास, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से देखो इनके फंक्शनल ग्रुप से पता लग जाता है, ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये सी ओ, ये कुछ इस तरह से बनता है। तो ये कीटोन है, इसको सही करके दिखाओगे तो कुछ और भी अच्छे से बन जाएगा, ये मैंने थोड़ा सा गलत दिखा दिया, इसको ऐसे दिखा दोगे तो ज़्यादा होगा। ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये कॉमन है, आप इनको अच्छे से समझ लें, इनके ऊपर क्वेश्चन बन गया। तो 64वें का सी आंसर है, आगे चलते हैं।